हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल इज द नवरात्रि मेकअप लुक। तो फर्स्टली मैंने अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करना स्टार्ट कर दिया। इसको फिल करने के बाद मैं एक एक्सपोली की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इसके बाद मैंने अपनी आईज़ पर आई कंसीलर लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा आई कंसीलर लगाया। इसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक फ्लफी सा ब्रश लिया है, उस पर मैंने एक पिंक कलर का शेड लिया है, मैट शेड। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज पर प्रॉपरली। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों आईज़ पर सेम कलर का अप्लाई किया। उसके बाद मैं अपनी आईज़ पर लगा रही हूँ हाईलाइटर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इस पर लगाएंगे एक आईलाइनर। तो मैं आईलाइनर एकदम नेचुरल सा रख रही हूँ, लाइक थिन सा। इसके बाद मैंने एक विंग आईलाइनर क्रिएट किया अपनी दोनों आईज़ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आईलाइनर लगाने के बाद हमारा आईलाइनर लग चुका है, हमारी हो गया है डन। उसके बाद मैं अपनी आईज़ पर लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लग गया। अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ प्राइमर। तो अपने फेस पे प्राइमर को लगाने के बाद मैं उसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी अपनी स्किन पर। ये जेल बेस्ड प्राइमर है जो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। तो इसको लगाने के बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप प्राइमर लगा रहे हैं तो, अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है। इसके बाद मैं अपने फेस पे इस को भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्रीम को। इसके बाद मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरी स्किन टोन का ही है। तो ये जो मेकअप है बिल्कुल सिंपल और सटल सा होने वाला है। मुझे अपने फेस पर हाई कवरेज चाहिए, इसलिए मैं अपने फेस पर फाउंडेशन लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को सिंपल कवरेज चाहिए तो आप BBCC क्रीम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से अपने फुल फेस पर मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के बाद अब मैं करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोर के लिए मैं अपने लिए क्रीम कॉन्टोर यूज़ करी हूँ और ब्रश मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। तो इसके हेल्प से मैं अपने फेस की फुल कॉन्टोरिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैं क्रीम कॉन्टोर डायरेक्टली अपने स्किन पर लगाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा शो होने लगता है। इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से फुल फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, इससे ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो क्रीम कंटूर हमारा अप्लाई हो चुका है फेस पर। तो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। इसी तरीके से हमने अपने फुल फेस की कंटूरिंग को ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड कर देना है अच्छे से। इसको ब्लेंड करने के बाद अब मैं अपनी नोज़ की कंटूरिंग ब्लेंड करने वाली हूँ। हमारी नोज़ की कंटूरिंग, जितना आप अपने नोज़ को पतला दिखाना चाहते हैं उतने ही क्लोजअप में आपको कंटूरिंग करनी है। इसके बाद मैं अपने चीक्स पर एक पिंक कलर का ब्लशर लगा रही हूँ, एकदम लाइट पिंक। तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने अपने फेस पे लगाना स्टार्ट कर दिया कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक में मैंने एक पिंक मैट शीट लिया, उसको लगाने के बाद मैंने एक ब्राउन कलर का शेड लिया, उसको मैंने अप्लाई किया। ये दोनों कलर्स इतने अच्छे लग रहे थे मिक्स होने के बाद। उसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया हाइलाइटर बोन एरियाज़ पर। अब मैं करने वाली अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट। तो पहले मैंने मिड पार्टीशन कर ली है। मिड पार्टीशन करने के बाद तो मैं अपने हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्टली मैंने एक सेक्शन लिया है इसको ट्विस्ट करते हुए, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन लूँगी इसको भी मैंने ट्विस्ट कर देना है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे बालों को ट्विस्ट करती जाऊँगी जितने आपको चाहिए। तो इसी तरीके से इसको ट्विस्ट करके मैंने बैक पिन से सिक्योर कर लेना है, या क्लचर लगा ले पहले, उसके बाद आपको इसको पिन के साथ सिक्योर कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से मैंने ट्विस्टिंग करनी है। ट्विस्टिंग करने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा लूज़ कर देंगे, जो कि आपके फेस पर फ्लैटी सा लुक नहीं आएगा। तो इसके बाद मैं ये अपने हेयर्स ओपन रखने वाली हूँ। आप चाहे तो बांध सकते हैं, कुछ भी जो आपके ऊपर सूट करे। तो इसको अच्छे से ट्विस्ट करने के बाद हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे दोनों हेयर स्टाइल्स को। तो इसके बाद हम करेंगे अपना ड्रेस चेंज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।